देखिए दिल्ली में कई जगहों पर पानी की किल्लत है और इस जल संकट पर अब सियासी घमासान भी छिड़ चुका है। बीजेपी आज 14 जगहों पर प्रदर्शन करने वाली है और इसी के साथ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि आम आदमी पार्टी बस बहाने बनाती है। भीषण गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरस रही है। पानी की किल्लत से जूझती राजधानी में एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर जल संकट से राहत कब? लेकिन सवाल के जवाब पर अब सियासी बवाल भी बढ़ गया है। राजधानी में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन है, जल संकट के खिलाफ 14 जगहों पर हल्ला बोल करेगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रदर्शन होगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा लक्ष्मी नगर चौराहे पर प्रदर्शन करेंगे। सांसद रामवीर सिंह विधुड़ी संगम विहार में हुंकार भरेंगे। सांसद कमलजीत सहरावत नजफगढ़ में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगी। तो वहीं सांसद योगेंद्र चंदोलिया जहांगीरपुरी में प्रदर्शन में शामिल होंगे। इसके अलावा सांसद बांसुरी स्वराज आरकेपुरम में विरोध प्रदर्शन करेंगी। विधायक अजय महावर बुराड़ी में मौजूद रहेंगे। विधायक जितेंद्र महाजन दुर्गापुरी चौक पर प्रदर्शन करेंगे। आम आदमी पार्टी बहाने बनाना जानती, वो कभी भी जनता को सुविधा देना जानती ही नहीं। तो ये पानी देना नहीं चाहते, पानी बेचना चाहते हैं। जो आम आदमी पार्टी त्राही त्राही मचाए हुए है, अब इसका जवाब दिल्ली की जनता बहुत जल्द इनको हटा कर दे। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह लगातार एक्शन मोड में हैं और आज गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी बैठक करने वाले, हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं जिसमें जम्मू कश्मीर के सुरक्षा से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं वो शामिल होंगे। और साथ ही इस बैठक में सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया जाएगा, क्या हालात बने हुए जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बाद, इसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। और साथ ही 29 जून से अमरनाथ यात्रा जो शुरू होने वाली है उसको लेकर भी समीक्षा करेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। अमित शाह स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह हालात का पूरा अपडेट ले रहे हैं। आज वो अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा होगी, साथ ही अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी। जम्मू कश्मीर पर ये हाई 11 बजे शुरू होगी, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख मनोज पांडे, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल की भी मौजूदगी रहेगी। जम्मू कश्मीर में हाल ही में 4 दिन में 4 अटैक हुए। आतंकियों ने बीते दिनों रियासी, कठुआ, डोडा के 4 इलाकों पर हमला किया है, जिसमें 9 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी और एक सीआरपीएफ का जवान भी शहीद हुआ था, जबकि 7 सुरक्षा कर्मी घायल हुए थे। हालांकि कठुआ में सुरक्षा बलों को कामयाबी भी मिली। एनकाउंटर में फोर्सेस ने 2 पाकिस्तानी आतंकी मार गिराए थे। उनके पास से भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।